salt bridge and reversible cell functionality. Last time हम लोगों ने galvanic cell या जिसको हम voltaic cell कहते हैं इसकी कुछ general functionality के बारे में बात की थी, किस तरीके से काम करता है और इसको हमने compare किया था electrolytic cell के साथ ताकि आप इनको दोनों को differentiate कर पाओ. Galvanic cell के अंदर जो major differences थे from the electrolytic cell वो ये थे कि in galvanic cell एक spontaneous reaction हो रहा होता है. Spontaneous means ये खुद बखुद हो रहा होता है, आपको externally कोई aid नहीं लगानी पड़ती, no external power source is required. ठीक है. और दूसरा हमने फिर ये देखा था कि इसमें जो chemical energy है एक redox reaction की, वो chemical energy change हो रही होती है electrical energy के अंदर और external circuit से electrons फिर उसकी वजह से flow कर रहे होते हैं. इसके अलावा हमने ये देखा था कि जो कैथोड होता है इसमें जिसमें रिडक्शन हो रही होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ये डिफरेंट है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें कैथोड नेगेटिव चार्ज्ड होता है. और हमने ये देखा था कि एनोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो गैल्वेनिक सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, अगेन ये डिफरेंट है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आज हम यहीं से आगे बात लेके चलते हैं अबाउट द गैल्वेनिक सेल और हम देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर और किस किस्म की फंक्शनैलिटीज हो रही होती हैं. विल यूज एन एनिमेशन रेफरेंस रिएक्शन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिएक्शन अगर आप समझना चाहते हो प्रॉपर तरीके से गैल्वेनिक सेल को. इसमें आप देखो वी हैव यूज टू प्लेट्स, वन इज जिंक प्लेट. ठीक है. और इसके साथ आपको नीचे एनोड लिखा नजर आ रहा है. एनोड क्यों है ये जिंक प्लेट ये भी थोड़ी देर में हम बात कर लेते हैं. और यहाँ पे दूसरी प्लेट हमने कॉपर की यूज की हुई है और ये यहाँ पे कैथोड के तौर पे बिहेव कर रही है. ठीक है. अब यहाँ पे बाहर से हम कोई एक्सटर्नल सोर्स तो लगा नहीं रहे. ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है दिस इज अ वोल्ट मीटर जो चेक कर रहा है कि वोल्टेज कितनी जनरेट हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन. ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है. किन चीजों का रिएक्शन हो रहा है अब हम ये बात कर लेते हैं. यहाँ पे आपने जो सॉल्यूशन डाला हुआ है वो 1 mm जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन है, विच मींस 1 molar जिंक नाइट्रेट. आप जिंक नाइट्रेट विच इज ZnNO3 होल ट्वाइस बिकॉज जिंक इज पॉजिटिव 2 charged. आप जिंक नाइट्रेट का 1 mole लो एंड डिजोल्व इट इन 1 dm³ ऑफ वॉटर. ठीक है. तो जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड 1 molar या 1 M जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन. सेम गोज हियर, यहां पे आपने 1 molar कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया हुआ है. इन दोनों का एक्चुअली मकसद ये है कि जो आपके पास ये जो दो सॉल्यूशंस हैं लेफ्ट साइड वाले सॉल्यूशन के अंदर यू शुड हैव एनफ जिंक आइंस 2 positive और राइट साइड वाले के अंदर यू शुड हैव एनफ कॉपर +2 आइंस सॉल्यूशन के अंदर. ठीक हो गया. अच्छा, हाउ डज दिस रिएक्शन स्टार्ट? ये जो आपको एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है जिसको उसने मैग्नीफाई करके फिर यहां पे दिखाया हुआ है, ये आपको प्लेट को उसने जूम इन करके दिखाया है. प्लेट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ दी स्मॉल डॉट्स जो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर में. ये आपके पास जिंक के एटम्स है मुख्तलिफ. ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर जिंक एटम्स. अब आपको यहां पर बीच में व्हाइट कलर की एक एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है. ये एम्प्टी स्पेस आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये एरो हेड आपको ये बता रहा है कि यहां से एक जिंक एटम जो है वो निकल के चेंज हो गया है Zn+2 के अंदर और साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज कर दी हैं. ठीक है. और जो यहां पे ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है ये वाला डार्क ग्रीन कलर में ये जो चीज नजर आ रही है, साथ इसके नीचे 2 positive लिखा हुआ है, ये जिंक का आयन है जो एक्चुअली सॉल्यूशन के अंदर आ गया. ठीक है. एक तो वो आयंस थे जो आपने 1 molar जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन की वजह से आए थे और एक एक्स्ट्रा जिंक +2 का आयन सॉल्यूशन में आ गया. ठीक है. वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां गए? वो प्लेट के अंदर से होते हुए यूं आ गए. और आप देखो कि प्लेट ने ओवरऑल क्या किया कि प्लेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए. ये जो Zn+2 है ये तो सॉल्यूशन में आ गया ना, लेकिन जो प्लेट है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए जिसकी वजह से प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया. अब आप मुझे बताओ, जिंक अगर जिंक पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो चार्ज इसका इंक्रीज कर रहा है. ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना. ऑक्सीडेशन जहां पे होती है उसको क्या बोलते हैं? एनोड. सो हम इस वजह से जिंक को एनोड बोल रहे थे यहां पे. ठीक है. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यूं ही हो, डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर. अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते गुजरते गुजरते
जब इस वोल्टमीटर के अंदर से गुजरेंगे तो वोल्टमीटर ये पढ़ लेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू प्लेट्स. वोल्ट इसको 1.1 नजर आ रहा है, यानी 1.1 वोल्ट्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स. यहां से ये यहां पे आ गया इस प्लेट के ऊपर. अब इस प्लेट ने भी आप देखो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं ना, बट इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, हालांकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था. उसकी रीजन ये है कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किए, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे फिर, यानी इस प्लेट ने एक्चुअली लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो इस वजह से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया है. ठीक है, अच्छा अब यहां पे इस वाले जूम्ड इन फिगर को अगर आप देखो, ये अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आपको नजर आ रहा है. ये जो दो ब्लैक कलर के एंटिटीज हैं, दीज आर टू इलेक्ट्रॉन्स. ये दो इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, इन्होंने रिएक्शन किया एक Cu2+ के साथ. ये कौन सा Cu2+ है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो आपने लिया हुआ था ना 1 मोलर कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसकी वजह से जो Cu2+ था, वो वाला Cu+2 जो है उसने रिएक्ट किया, और Cu+2 विल रिएक्ट विद टू इलेक्ट्रॉन्स टू मेक Cu एटॉमिक फॉर्म में. और यहां पे आप देखो ये एरो हेड आपको ये बता रहा है कि यहां पे आके ये वाला एक Cu आके डिपॉजिट हो गया. यहां पे आप देखो यहां से एटम्स एक्चुअली प्लेट के कम हो रहे हैं, ठीक है, इस जिंक वाली प्लेट के एटम्स जो हैं वो ओवरऑल रिड्यूस कम हो रहे हैं, और इस कॉपर वाली प्लेट पे एक्स्ट्रा एटम्स आ रहे हैं. इसी वजह से राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखो, फाइनली आफ्टर सम टाइम वुड हैव पास्ड, जिंक एनोड के बहुत सारे एटम्स उतर चुके हैं, और अब देखो नीचे से ये कितना सा बच गया, ये तो पूरा बिल्कुल खाया गया, ठीक है. और कॉपर देखो ये प्लेट थिक हो गई है, ये वो हिस्सा है जो पानी के नीचे था, पानी कह रहा हूं सॉल्यूशन के अंदर, और ये जो ऊपर वाला है देखो आपने बिल्कुल एक जितनी कॉपर और जिंक का रॉड लिया था, और बाद में जिंक सारा खत्म होता गया, मुख्तलिफ उसके ऊपर से सारे एटम्स जो है वो सॉल्यूशन के अंदर आते गए Zn+2, और जो जो Zn+2 सॉल्यूशन के अंदर आता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सर्किट में से गुजरते रहेंगे, ठीक है. तो जब तक जिंक जो है ये इस्तेमाल होता रहेगा करंट गुजरता रहेगा, और जो जो यहां पे जब करंट आ जाएगा, करंट के फ्लो के लिए जरूरी है कि यहां पे ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल भी हो, तो कॉपर जो है जब तक ये वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये होता रहेगा, कॉपर के दो Cu+2 जब तक सॉल्यूशन में एक्सेस में पड़े हुए होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके कॉपर में ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे, ये रिएक्शन चलता रहेगा. बट इस पूरी स्टोरी के अंदर एक अभी ग्लिच है, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से ऊपर जा रहे थे इस वाले इलेक्ट्रोड से जो कि एनोड है, तो सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आते जा रहे थे, ठीक है, और ये कौन सा वाला था, लेफ्ट साइड वाला, यानी जिसको हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला हुआ है. एक्चुअली ये ना हाफ सेल्स के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, दो साइडें होती हैं, एक साइड पे हमने एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ होता है, दूसरी साइड पे दूसरा, एक होता है आपका रिडक्शन हाफ सेल और एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर आप देखो कि Zn जो है वो Zn2+ में चेंज हो रहा है, और साथ दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो वो है ना जो फिर बैटरी के बाहर से होते हुए गैल्वेन उस वोल्टमीटर के अंदर से गुजरेंगे और फिर दूसरे वाले सेल में जाएंगे. ये Zn+2 कहां गया, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन में Zn+2 पहले भी बहुत पड़े हुए थे क्योंकि आपने जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है. यानी ओवरऑल क्या होगा कि जिंक जो है वो बढ़ते जाएंगे और एक्सेस में जिंक पॉजिटिव टू आइंस प्रोड्यूस होते जाएंगे, और अगर आपने इलेक्ट्रोड किसी और चीज का यूज किया है तो एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर, ठीक है, और रिडक्शन हाफ सेल जो है उसके अंदर ये हो रहा होगा कि Cu+2 जो 1 मोलर कॉपर नाइट्रेट की वजह से थे वो इस्तेमाल होते जा रहे हैं सारे, और जाके उस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं कॉपर की. सो ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर से Cu+2 कम होते जा रहे हैं. अब एक्चुअली आपने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया हुआ था CuNO3 होल ट्वाइस. अब कॉपर प्लस नाइट्रेट्स, दो नाइट्रेट्स और एक कॉपर प्रोड्यूस होता है जब CuNO3 स्प्लिट होता. अब ये वाला कॉपर जब आपने इस्तेमाल कर दिया है और जाके ये प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया, सो ओवरऑल क्या होगा कि हर कॉपर के इस्तेमाल होने की वजह से दो नाइट्रेट्स एक्स्ट्रा होने लग जाएंगे, ठीक है. यहां पे क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा आपके पास जिंक आना शुरू हो गए थे और यहां पे आपके पास नाइट्रेट एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया. सो आई वुड कॉल इट एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज. और ये तो भी सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात की. सपोज करो कि 5 मिनट के लिए ये सर्किट चलता रहा और ओवरऑल देर वुड बी बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इतनी देर में गुजर चुके होंगे, सो देर वुड बी बिलियंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस
which would be accumulated. Accumulate ka matlab hota hai ikatthe ho jana, accumulated in the oxidation half cell. Oxidation half cell ke andar positive charges bahut zyada badh jayenge, aur jo reduction half cell hai uske andar negative charges jo hain ye aista aista badhte ja rahe hain. Theek hai, ye to masla hai, is masle ko hal karna hai, aur ye actually wo puri story hai jo maine aapko khud sunai hai is wajah se, taki aapko samajh aa jaye ki salt bridge ka kya kaam hai. Yahan pe phir aapke janab salt bridge ka kaam start hota hai. यहां पे अब आप देखो درمیان में जरा ये देखो एक पाइप नुमा चीज हमने जोड़ी हुई है जो दोनों सेल्स को आपस में जिसने कनेक्ट किया हुआ है इसका कनेक्ट करना जरूरी है एक और भी वजह से वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं ये जो ब्रिज है इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई आयनिक कंपाउंड यूज किया हुआ होता है ये आयनिक कंपाउंड आप नॉर्मली सोडियम क्लोराइड यूज करते हो या आप पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हो ठीक है या सोडियम का कोई और नाइट्रेट वगैरह भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग आप क्या यूज करना चाह रहे हो लेकिन ये कोई आयनिक कंपाउंड होता है इस आयनिक कंपाउंड का मकसद ये है कि जो आपका लेफ्ट वाला सेल है ना ये वाला इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस आ गए ये उनको बैलेंस करें ये फिगर को मैंने दोबारा कॉपी कर लिया ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए ये जो एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव इसके अंदर आते जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इस सॉल्ट ब्रिज का काम यह है कि यह यहां से नेगेटिव चार्ज सप्लाई करे इस Zn प्लस टू को बैलेंस करने के लिए अब Zn प्लस टू जो है वो क्लोराइड्स के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बनाना शुरू कर देगा ठीक है और जो दूसरी प्लेट दूसरा जो आपका हाफ सेल था जो रिडक्शन हाफ सेल था इसमें नाइट्रेट्स ज्यादा होते जा रहे थे तो यहां पर सोडियम जो है वो नाइट्रेट्स के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट बनाना शुरू कर देगा NaNO3 यानी ओवरऑल एक अगर नाइट्रेट प्रोड्यूस हुआ तो उधर से एक सोडियम आके एक सोडियम पॉजिटिव आयन आके इस नाइट्रेट को बैलेंस कर देगा ओवरऑल एक नाइट्रेट फिर एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा यानी अगर एक Cu प्लस टू यहां पे इस्तेमाल हो रहा है और जाके इधर डिपॉजिट हो रहा है एटॉमिक फॉर्म में तो एक नाइट्रेट एक्स्ट्रा हो गया उस एक नाइट्रेट को बैलेंस कर देगा एक सोडियम यहां से नीचे आके ठीक है सो इस सॉल्ट ब्रिज का एक्चुअली काम यह है कि ये इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है और ये इन दोनों हाफ सेल्स के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है ठीक है बैलेंस रखने की कोशिश करता है यानी ऐसा ना हो कि एक तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए और एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए ये दोनों के दरमियान बैलेंस रखता है ताकि करंट फ्लो करता रहे ये वाली जो थ्योरी है ये वैसे भी एप्लीकेबल है अगर आप देखो अगर आप नॉर्मल जो घरों में सेल इस्तेमाल करते हो अगर उस सेल में आप एक बल्ब अटैच कर दो और उस बल्ब को सिर्फ आप एक साइड से जोड़ो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव से ना जोड़ो तो क्या करंट फ्लो करता रहेगा वैसे तो करना चाहिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग इस तार के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना अब चाहिए तो ये कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो और इसके अंदर जाके इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना शुरू कर दें ठीक है तो ये एक्चुअली जो बैटरी होती है इसके दो हाफ सेल्स होते हैं जो घरों में भी हम यूज करते हैं इसे एक साइड पर पॉजिटिव आयंस होते हैं एक साइड पे नेगेटिव आयंस होते हैं अब होना ये चाहिए कि इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करना शुरू कर दें ताकि पॉजिटिव आयंस यहां से कम होना शुरू हो जाएं और इसकी वजह से क्या होगा कि बल्ब ऑन हो जाना चाहिए ठीक है लेकिन अब इससे मसला पता है क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस के आपके थोड़ी देर बाद कम हो जाएंगे और नेगेटिव आयंस तो उतने ही पड़े हुए हैं क्योंकि उनको तो कोई चीज इस्तेमाल ही नहीं कर रहा ठीक है सो ये एक इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा ठीक है प्रैक्टिकली होता यह है कि जितने आपके यहां पे पॉजिटिव आइंस हैं उतने ही यहां पे जब तक नेगेटिव आइंस होंगे तब तक करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा इस वजह से हम इस पूरी तार को कनेक्ट कर देते हैं ताकि यहां से एक नेगेटिव इस्तेमाल हो नेगेटिव में एक की कमी आ गई वो वाला इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरते 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 जब यहां पर जाए तो वो एक पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करे और पॉजिटिव भी यहां से फिर एक कम हो जाए सो ओवरऑल इन दोनों का आपस में बैलेंस मेंटेन रहे आई होप यू आर वेरी क्लियर कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज एक आयनिक कंपाउंड होता है जो एक जेल या एक पेस्ट की फॉर्म में आपने एक पाइप के अंदर डाला हुआ होता है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई कर रहा होता है टू द टू हाफ रिएक्ट हाफ सेल्स ठीक है रिडक्शन हाफ सेल जो है रिडक्शन हाफ सेल और दूसरी तरफ आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रही होती है डेफिनेटली रिडक्शन हो रही होती है रिडक्शन इस तरीके से हो रही होती है कि Cu+2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स लेके
Cu में चेंज हो रहे होते हैं. अब Cu plus 2 जो है चूंकि इस्तेमाल होते जा रहे हैं सारे और मेटेलिक फॉर्म में उसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, सो नाइट्रेट्स आपके पास एक्सेस में आ जाएंगे और उन नाइट्रेट्स को बैलेंस करने के लिए आपको कोई पॉजिटिव चार्ज चाहिए जो नाइट्रेट को बैलेंस कर दे, ठीक है, ताकि नाइट्रेट एक्सेस में ना हो पाए. सो रिडक्शन हाफ सेल में सॉल्ट ब्रिज सप्लाइज पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सॉल्ट ब्रिज सप्लाइज नेगेटिव चार्जेस, जो कि जिंक पॉजिटिव 2 जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उनके साथ मिलके जिंक का कंपाउंड बना दें और जिंक एक्स्ट्रा ना हो पाए और दोनों हाफ सेल्स के अंदर ना तो नाइट्रेट एक्स्ट्रा होंगे ना ही जिंक एक्स्ट्रा होंगे, एक बैलेंस या एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहेगा और करंट फ्लो करता रहेगा थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर व्हिच इज रिवर्सिबल सेल के तौर पे हम किस तरीके से काम करवा सकते हैं गैल्वेनिक सेल का. गैल्वेनिक सेल जो है ये रिवर्सिबल सेल के तौर पे कैसे काम करता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल सेल होता क्या है या वो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है. अगर नॉर्मली केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि ए और बी दो चीजें हैं, ये सी और डी में चेंज हो रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास होना ये चाहिए कि अगर आपने 10 ग्राम टोटल ए और बी का मास है तो फाइनली प्रोडक्ट आपका 10 ग्राम्स जो है वो सी ओ डी बनना चाहिए. प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है. इसे नेक्स्ट लेक्चर, इसे जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्चुअली चैप्टर नंबर 11 जो है रिएक्शन काइनेटिक्स, जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर का नंबर गालिबन कुछ और होगा, तो इसके अंदर भी आप यही पढ़ोगे कि एक्चुअली रिएक्शन इस तरीके से नहीं हो रहा होता. शुरू में आपने जब ए और बी लिया ये दोनों मिलके सी और डी बनाना शुरू कर देंगे, बट सी और डी जो है वो जू जू बनते जाएंगे वो वापस ए और बी बनाना शुरू कर देंगे. बट चूंकि शुरू में ए और बी बहुत ज्यादा है तो ए और बी बहुत ज्यादा अमाउंट में सी और डी बना रहे होंगे और सी और डी बहुत कम तादाद में ए और बी बना रहे होंगे, ठीक है. सो आहिस्ता आहिस्ता सी और डी बढ़ना शुरू हो जाएंगे. एक वक्त ऐसा आएगा कि ए और बी जितना सी और डी बना रहे होंगे उतना ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बना रहे होंगे और ये एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. इसको हम नॉर्मली यूं करके मेंशन कर रहे होते हैं, यानी यहां पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. जितना ए और बी सी ओ डी क्रिएट कर रहे हैं उतना ही सी ओ डी ए और बी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है और आपको लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, रिएक्शन सीज कर गया है या स्टॉप कर गया है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता. जितना ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है उतना ही वो इसमें हो रहा होता है, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों की चूंकि कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो रिएक्शन रुका हुआ, ठीक है. सो अगर आपको भी ये बात समझ नहीं आ रही, इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट चैप्टर पूरा है ही इसी बारे में रिएक्शन के एनर्जीज के हवाले से. अभी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रोसेस या तो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ एक्सटर्नल पावर वगैरह की जरूरत नहीं है, हीट की जरूरत नहीं है, या ये फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. अगर तो ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नॉर्मली एक्सोथर्मिक होते हैं, उसमें आपको हीट मिल रही होती है, और ये जो भी आप रिएक्शंस करवा रहे हो इसमें आपको एक्सोथर्मिक नहीं बल्कि गैल्वेनिक सेल के अंदर यह हो रहा होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, हीट नहीं मिल रही होती, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होती है. सो अगर आपने गैल्वेनिक सेल के अंदर, आपने देखा था अभी ऊपर के जिंक प्लस टू जो था, जिंक प्लस टू इसमें नहीं चेंज हो रहा था बल्कि जिंक जो था वो जिंक प्लस टू और साथ दो इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो रहा था, और कॉपर जो था वो दो इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर में चेंज हो रहा था. इफ यू एड दीज टू रिएक्शंस टूगेदर You'll get this. This is your overall reaction. I hope आपको ये बात पहले भी पता थी. ये overall reaction represent क्या कर रहा है? ये एक chemical redox reaction को represent कर रहा है, जिसमें ये दो reactants और ये दो products हैं. और चूंकि ये reaction जो है ये spontaneously हुआ है, यानी galvanic cell के अंदर हुआ है और आपको मिली है electrical energy, इसका मतलब है कि 1.1 वोल्ट्स जो ऊपर अभी आपने पढ़ा था उसके ऊपर आपको रीडिंग आ रही थी, ये वोल्टेज आपको मिलेगी वंस दीज टू रिएक्ट टुगेदर टू मेक दीज टू.
अगर आप ये चाहते हो कि Zn plus 2 plus Cu change होना शुरू हो जाए Cu plus 2 plus Zn में, मैंने ऊपर वाले को उल्टा करके लिख दिया है, ये exactly उसका reverse reaction है। अब आपके ख्याल में इसमें भी आपको एनर्जी मिल रही होगी? No, अब ये होगा कि बजाय इसके कि आपको 1.1 volts एनर्जी मिले, अब आपको 1.1 volts अब supply करना पड़ेगा externally, जैसे हम electrolytic cell में किया करते थे, as in electrolytic cell, जिस तरह हम उसमें वायर से एनर्जी अप्लाई करते थे, इस तरह 1.1 वोल्ट्स अब आपको अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि ये जो है ये इस तरीके से चले। ऊपर वाला जो एक्चुअल रिएक्शन है इसमें आप देखो जिंक जो है उसका चार्ज बढ़ रहा है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, यानी जिंक एनोड के तौर पे बिहेव कर रहा है, और कॉपर जो है उसका चार्ज प्लस 2 से 0 पे आ रहा है, यानी कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी इट इज कैथोड। नीचे वाले के अंदर अगर आप देखो जिंक प्लस 2 से जिंक में चेंज हो रहा है, यानी जिंक का चार्ज कम हो रहा है, जिंक कैथोड के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये आप करना पता है क्या चाह रहे हो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वैसे अगर जिंक और कॉपर दोनों को आप देखो ना, जिंक इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है निस्पतन कॉपर के, और कॉपर की कोशिश होती है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो बल्कि रिड्यूस हो। ये वो है जो नेचुरली होता है, यानी अगर आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर दो, जिस राम दो हाफ सेल्स बना दो इनके, तो नेचुरली जो रिएक्शंस होते हैं वो ये होते हैं। अब आप ये चाह रहे हो कि ये दोनों रिएक्शंस उल्ट हो जाएं, यानी आप चाह रहे हो कि जिंक की बजाय इसके के ऑक्सीडेशन हो, जिंक की रिडक्शन हो जाए, यानी ऊपर वाला रिएक्शन आप चाह रहे हो उल्ट हो जाए, यानी आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, और नीचे वाले रिएक्शन में भी आप यही चाह रहे हो कि उल्ट हो जाए, बजाय इसके के कॉपर रिड्यूस हो आप चाह रहे हो कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो, हालांकि कॉपर की वैसे मर्जी होती है कि वो रिड्यूस हो, आप कॉपर को ऑक्सीडाइज करवाना चाह रहे हो, जिंक की मर्जी होती है कि वो ऑक्सीडाइज हो, आप जिंक को रिड्यूस करवाना चाह रहे हो, यानी आप जब नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, अगेंस्ट द नेचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक्सटर्नली आपको एनर्जी सोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और अब ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हुआ करता था, अब ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और जितनी वोल्टेज ऊपर आपको मिल रही थी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन, उतनी ही आपको या उससे ज्यादा वोल्टेज इस दफा सप्लाई करनी पड़ेगी। इसी पूरे प्रोसेस की ये अब समरी इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो, ये जो लेफ्ट साइड पे फिगर है दिस इज योर एक्चुअल गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, इसके अंदर यह हो रहा है कि यू हैव अ कैडमियम एनोड एंड अ कॉपर कैथोड, ठीक है, और वोल्ट मीटर आपको 0.74 रीडिंग शो कर रहा है, 0.74 वोल्ट्स आपको वोल्टेज मिलेगी वंस दिस रिएक्शन हैपेंस, और इस रिएक्शन के जो ओवरऑल रिएक्शन आप यहां पे देख रहे हो नीचे, कैडमियम सीडी से सीडी प्लस 2 में जा रहा है, यानी कैडमियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, तो कैडमियम एनोड है और इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और आप देखो कि सीयू प्लस 2 जो है वो सीयू में आ रहा है, यानी रिडक्शन हो रही है, कॉपर का कैथोड है जिस पे रिडक्शन हो रही है, जो एक्चुअली जो हो रहा है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप इसी ओवरऑल रिएक्शन को उल्ट करना चाह रहे हो, कैडमियम प्लस 2 प्लस Cu को आप मिला के आप चाह रहे हो कि Cd प्लस Cu2 प्लस बन जाए, Cd प्लस Cu2 प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कैथोड और एनोड पे जो इंडिविजुअली रिएक्शंस हो रहे हैं आपको इनको उल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यह होगा कि कैडमियम के एनोड की बजाय कॉपर का एनोड बन जाएगा, क्योंकि आप चाह रहे हो कि कॉपर बजाय इसके कि ऑक्सीडाइज हो, यहां पे कॉपर जो था वो रिड्यूस हो रहा था ना, आप चाह रहे हो कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो, तो ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होती है, तो इस वजह से कॉपर अब एनोड कहलाएगा और कैडमियम का आप कैथोड बना दोगे, और ऊपर अब आप देखो यहां पे आपको नजर आ रहा है 0.74 वोल्ट्स आपको पावर सप्लाई से सप्लाई करना पड़ेगा अब आपको, और चूंकि आपने देखो पहले जो करंट था वो कैडमियम से कैथोड की तरफ जा रहा था, क्योंकि कैडमियम एनोड था, एनोड से कैथोड की तरफ करंट जा रहा होता है, अब जो है अब क्या हो रहा है कि अब कॉपर से कैडमियम की तरफ करंट आ रहा है, करंट की डायरेक्शन उल्ट हो गई है। सो जब आप रिवर्सिबल सेल बनाते हो, रिवर्स करते हो रिएक्शन को, तो बेसिकली करंट की डायरेक्शन उल्ट हो जाती है, ठीक है, और आपको उतनी ही पावर सप्लाई या उससे ज्यादा देनी पड़ती, ज्यादा दोगे तो फिर तेज हो जाएगा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। सो नाउ आई होप यू आर क्लियर कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरीके से ऑपरेट करता है, करंट की डायरेक्शन अगेन इस दफा भी एनोड से कैथोड की तरफ है, बट कैथोड और एनोड एक्चुअली चेंज हो गए हैं, कैडमियम का एनोड था अब कैडमियम का कैथोड हो गया, और पहले कॉपर का कैथोड था अब कॉपर का
एनोड हो गया. और दूसरा मेजर डिफरेंस के पहले आपको वोल्टेज मिल रही थी और अब आप सप्लाई कर रहे हो. तीसरा ये कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जो ऑटोमेटिकली हो रहा था, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये एक्चुअली उस क्वेश्चन का आंसर है जो आपके जहन में आ रहा होगा कि जिंक और कॉपर में से जिंक ही क्यों ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता. मैं ये कह रहा था ना बार बार कभी कि जिंक ही ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर नहीं होता, कॉपर रिड्यूस होने की कोशिश करता है. तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी और कौन सी चीज रिड्यूस होगी, ये एक्चुअली इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चलता है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की थ्योरी हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे.